नमस्ते दोस्तों, आज एक मैं नया विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आप लोगों ने रेमेडीज़ के बारे में कई बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, आप रेमेडीज़ करते भी होंगे। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या ऐसे कोई भी जो प्रैक्टिस करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं उनके पास आप हमेशा रेमेडीज़ पूछते होंगे। तो जनरली आप जो रेमेडी सुनते होंगे वो है पूजा पाठ, उसके बाद है दान कि कोई स्पेसिफिक दान करो। जेमस्टोन एक कॉमन प्रैक्टिस है, जैसे कि कोई अंगूठी पहनना या कोई खड़ा पहनना, कोई नगीना पहनना, कोई जेमस्टोन पहनना, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। उसके बाद एक रेमेडी होता है कि आपको नेम स्पेलिंग बोलते हैं, जो कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट कई बार सजेस्ट करते हैं। और भी कई रेमेडीज़ हैं, जैसे गाड़ी का नंबर बदलना या घर नंबर बदलना या घर चेंज करना, मतलब नंबर देखना, बिजनेस का नाम रखना, और भी बहुत कुछ, कलर्स और हाथ पे लिखना वगैरह वगैरह वगैरह। कोई वॉच पहनने का सजेशन देता है, कोई मेटल पहनने का सजेशन देता है, जो भी। सो अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ आप दुनिया में देखेंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे रेमेडी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि आपने अभी तक उतना उस बारे में सोचा नहीं होगा। लॉजिकली आप जब आप सोचोगे इस बारे में तो आपको लगेगा कि हाँ, ये भी एक रेमेडी हो सकती है। सो पुराने ज़माने में जो रेमेडीज़ थी, ज़रूरी नहीं वो आज काम करे। पुराने ज़माने में जो तरीके थे वो ज़रूरी नहीं आज काम करे। समय के साथ सारी चीज़ें अपग्रेड होती है, समय के साथ सारी चीज़ें बदलती है। सो आज मैं जिस रेमेडी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो रेमेडी है एक्सरसाइज। अब आप बोलेंगे, सर ये कौन सी रेमेडी है, एक्सरसाइज ये कोई रेमेडी थोड़ी है, ये तो एक लाइफस्टाइल है, ये तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, या जो भी है। सो द थिंग इज़ कि एक्सरसाइज क्यों करना है, किस मुलाक वालों को कंपलसरी करना है, इस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो वैसे तो एक्सरसाइज करना सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, आपके फिटनेस मेंटेन रहेंगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ कम आएंगे कई सारी मॉर्बिडिटीज़ से, या कई सारी इंजुरीज से, या कई सारे हेल्थ इश्यूज़ से प्रिवेंशन हो सकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपको हार्ट रिलेटेड इलनेसेस नहीं आएंगे, और भी बहुत कुछ। सो द थिंग इज़ कि किस नंबर सभी के लिए, मैं तो कहूँगा कि सभी ने करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ मुलायम के बारे में मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि उन्होंने करनी ही चाहिए, और वो क्यों वो भी हम बताएंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं, मैं सजेशन देना चाहूँगा मूलांक दो को। आप लोगों ने मूलांक दो हो या भाग्यांक दो हो, दोनों कंडीशन में आपने एक्सरसाइज एज अ रेमेडी करनी चाहिए। बाकी किसी भी रेमेडी से ज़्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंस दूंगा। अब क्यों? सो दो के बारे में आपने हमेशा सुना है, मेरे वीडियोस से सुना है, मेरे मूलांक भाग्यांक सीरीज में सुना होगा, मेरे मूलांक वाले वीडियो में सुना होगा कि दो वालों का प्रॉब्लम है कि कई बार वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, एक अपने लेजीनेस के वजह से कई सारी चीज़ें अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और अगर आपका मूलांक दो भाग्यांक दो है तो आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आप प्लान तो बहुत अच्छा करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, बट कर नहीं पाते। एक तारीख से मैं ये स्टडी करूँगा, या मैं इस वनडे से ये स्टार्ट करूँगा, बट कर नहीं पाते। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक रूटीन बन जाएगा। सो रूटीन बनने के, जैसे आपको एक डेली एक स्पेसिफिक काम डेली करना है, ये एक आदत लगेगी। दूसरा प्रॉब्लम है मूलांक दो के साथ, जो मैंने बोला है कि इनको मूड स्विंग्स और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा फील होते हैं, इनको डिप्रेशन इजीली फील होता है, या टेंशन बहुत, कोई भी चीज़ का छोटा मोटा टेंशन भी आ जाए तो इनको बहुत बड़ा लगता है, बहुत दिनों तक उस चीज़ में खोए हुए रहते हैं। सो इस चीज़ में भी इन चीज़ों का फ़ायदा होता है, जैसे कि एक्सरसाइज करने से। अगर कोई भी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन वाले हैं, या आप खुद भी सर्च कर लो तो उस बारे में मिलता है कि कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स, जो आपको आपके बारे में बहुत अच्छा फील कराते हैं, सेल्फ एस्टीम फील कराते हैं, आपके बारे में प्राउड फील कराते हैं। तो इसके वजह से आपको ये जो निगेटिव इमोशनल ट्रेट्स है, जैसे डिप्रेशन आ जाना, या बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर ले लेना, ये सारी चीज़ें आपकी सप्रेस रहेगी, मूड स्विंग्स और ये सारी चीज़ें आपकी दबी हुई रहेगी, आपको फील नहीं होगा, क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है। जो मूड स्विंग्स होते हैं, या मूड आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं बॉडी में, अलग अलग हार्मोन से, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो ये हार्मोन्स के भी उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो जो मैंने बोला था कि कोई फीमेल्स हो मूलांक दो वाले, तो उनको कुछ इरेगुलरिटीज़ होते हैं, उनको कुछ हार्मोन से रिलेटेड इशू होते हैं, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इशू होते हैं, तो उसमें भी इनका बेनिफिट उनको दिखाई पड़ सकता है, उनको दिख सकता है। तो मैं कहूँगा कि मूलांक दो
या भाग्यांक दो हो, आपने आपके लाइफ में एक्सरसाइज ऐड करनी ही चाहिए। यह आपके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडी हो सकता है। कोई जेमस्टोन उतना काम नहीं करेगा जितना ये काम करेगा। सो आप खर्चे वाले उपाय ना करते हुए ये सिंपल उपायों पे जाइए, घर पे करिए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, घर पे कर सकते हैं। नो डाउट कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ही जाएं, आप घर पे भी कर सकते हो। बॉडी वेट से एक्सरसाइज होती है। आजकल तो सारे वीडियोज़ मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, तो वो सब आपको गाइड कर सकते हैं। सो ये रेमेडी आपके लिए डेफिनेटली काम कर सकते हैं। दूसरा जो जिन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्सरसाइज एज अ रेमेडी, वो है मूलांग के भाग्यांक पाँच वाले लोग, स्पेशली मूलांग पाँच। सो मूलांग पाँच और भाग्यांक पाँच में एक टेंडेंसी देखी जाती है कि वो लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, फूडी होते हैं, तो उस वजह से वो फास्ट फूड खाना या बाकी की चीज़ें खाना वो इनकी एक हैबिट होती है। या अगर आपका मूलांग भाग्यांक है तो आप इन चीज़ों में बहुत फूड चूजी है, बहुत आपको एक स्पेसिफिक टेस्ट पसंद नहीं आया तो आप वो फूड नहीं खाओगे, आपको घर की रोटी सब्जी पसंद नहीं आया तो आप वो नहीं खाओगे, आप बाहर का ऑर्डर कर लोगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपकी फूड हैबिट्स की वजह से भी आपको वेट गेन की टेंडेंसी हो सकती है, जिसके वजह से आपको मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको एसिडिटी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये प्रूवन है मेडिकली कि एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में भी एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। सो जो आपके कॉमन इश्यूज है, आपने मेरे वीडियो में सुना ही है कि आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ज़्यादातर दिक्कतें होती है, तो वो कवर होने में भी आपको मदद हो जाएगी। इसके बाद हम बात करूंगा, मैं ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, तो मैं कहूंगा कि सारे जिन लोगों को मैं एक्सरसाइज करने बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इन लोगों के लिए ज़रूरी जो कि है मूलांक आठ या भाग्यांक आठ। इन लोगों के वीडियो में आपने ज़रूर सुना होगा कि मैं इनको बोलता हूँ कि आप लोग मेहनत जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपकी एग्जामिनेशन लेता है, वो आपको टेस्ट करता है कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, आप कितने मेहनती हो। सो मेहनत, वो पसीना चाहता है, वो चाहे आप मजदूरी में बहाओ, चाहे आप जिम में बहाओ, चाहे आप घर पे बहाओ, पसीना बहाया मतलब कि एक टाइप का वो फिजिकल वर्कआउट हुआ, एक टाइप की मेहनत हो गई। सैटर्न को ये नहीं पता कि ये किस टाइप की मेहनत है, बस उसको ये दिखता है कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, सो वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। मेरे पास कई सारे लोग जब आते हैं, जब बोलते हैं कि सर हमें कोई रेमेडी बताओ, तो मैं ये एक रेमेडी मूलांग आठ या भाग्यांक आठ वालों को बहुत बार रिकमेंड करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है आपके लाइफ में। ये आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि आप कुछ साल आप वर्कआउट करके देख लो, आपको दिखेगा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है। अब नो डाउट देखिए, अब इसमें प्रैक्टिकल रीजंस भी, अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपके बारे में सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, फील गुड बढ़ेगा, आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिकल बेनिफिट है। बट न्यूमरोलॉजिकली उसका क्या बेनिफिट है, तो मैंने बताया कि पसीना बहाना ये एक तरीके की मेहनत है, और मेहनत को रिजल्ट देने का काम सैटर्न करता है, सैटर्न उसी के लिए जाना जाता है। सो ये आपसे खुश होकर आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, ये आप ज़रूर शुरू करिए। बाकी किसी के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ये रेमेडी, अगर आप कर सकते हो तो ये आप ज़रूर करिए। उसके बाद मैं कहूँगा कि मूलांक नौ या भाग्यांक नौ, इन लोगों के लिए भी मैं कहूँगा कि वर्कआउट करना या जिम करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको तो ये ऑलरेडी पसंद होता है, इन लोगों को तो इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है, इन लोगों को फिजिकल वर्कआउट, क्योंकि मंगल या मास एक टाइप का सेनापति है प्लैनेट्स में, या ये जो चीज़ें पकड़ते हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें वो सेनापति है, तो सेनापति को तो फिट रहना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो युद्ध लड़ पाएगा। तो पुलिस आर्मी इन लोगों का, इनसे स्पोर्ट्स पुलिस आर्मी इनसे ज़्यादा कनेक्शन आता है, तो उन लोगों को तो वैसे भी फिट होना अच्छा है। तो एक्सरसाइजेज या जिम करना या फिट रहना या कार्डियो करना इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए, तो सो दैट इनकी बाकी जो इंजुरीज के चांसेस है वो कम हो जाए, या बाकी एनर्जी कहीं और पे कंबस ना हो जाए, कहीं और पे एक्सेस में आके वो इनको इंजुरी ना हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना। तो स्पोर्ट्स खेलना जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करना भी एक तरीके का वही है, सो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये है कि ये जो कुछ मूलांक या भाग्यांक अगर होंगे आपके साथ आपके कॉम्बिनेशन में, तो आप ज़रूर करें। मूलांक है दो, पाँच, आठ या नौ तो ज़रूर करिए, भाग्यांक है तो भी आपको करना चाहिए। इसके अलावा तीन को भी आप, मैं कहूँगा कि बहुत हद तक सजेस्ट करूँगा कि वो भी कर सकते हैं, क्योंकि तीन वालों में कई बार वेट गेन एक विशिष्ट एज के बाद वेट गेन होने की टेंडेंसी आप देख सकते हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। बट दो, पाँच, आठ और नौ को मैं स्पेशली हिदायत दूंगा कि इसको एज अ रेमेडी यूज़ करें। बहुत बार आप लोग बोलते हैं कि सर हम क्या रेमेडीज करें, मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सिंपल रेमेडी करके देखिए। कई बार क्या होता है कि लोगों को जब हम डॉक्टर्स का भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उस चीज़ की फीस ना लेना,
तो कई बार वो पर्ची वहीं पे छोड़ के चले जाता है पेशेंट, क्योंकि उसको लगता है कि ये डॉक्टर फीस नहीं लेता तो इसकी दवाई मुझ पे क्या असर करेगी। तो लोगों को ना, हम लोगों को एक आदत लग गई है कि हम लोग जिस चीज़ के लिए पैसे खर्च होते हैं उसी को रेमेडी समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कई जगह पे कई चीज़ ऐसी चीज़ काम कर जाती है जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। सो ऐसी तरीके से ये एक चीज़ है जो आप एटलीस्ट देखिए, इसका फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी तो है ही नहीं। सो आपने ये चीज़ यूज़ करके देखनी चाहिए, क्या पता बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाए लाइफ में। इसको एज अ रेमेडी यूज़ करके देखिए। मैं फोर्स करूँगा, अर्ज करूँगा कि आप ये कॉम्बिनेशन से अगर बिलोंग करते हैं, ये मुलांग से अगर बिलोंग करते हैं, 2-5-8-9, तो कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए रेगुलर एक्सरसाइज आपके लाइफ में ऐड करके देखिए, शायद आपको बहुत बड़ा डिफरेंस फील हो जाएगा। सो आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको समझ में आई है। किसी और वीडियो में कोई और चीज़ पे हम और आगे चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है, या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।